मैं सर मैं एक करंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ, उसके बारे में आपकी गाइडलाइन भी चाहती हूँ। सर आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट 4th मार्च, जो करंट आजकल चल रहा है टॉपिक। सर आई एम अगेंस्ट ऑफ दिस मूवमेंट एंड ऑब्वियसली वी ऑल आर अगेंस्ट ऑफ दिस मूवमेंट। सर अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, सर हमें कौन से इकदाम उठाने चाहिए कि हम इस मूवमेंट को स्टॉप कर दें? हाँ, मेरा औरत मार्च के बारे में मेरा क्लिप आ चुका है। उस बात उसमें तो ये हकीकत बयान की गई कि है क्या, इसे रोका कैसे जाए। आपका सवाल ये है, हमें बेटा अपनी अपने आप देखें, आप टीचर हैं, आप अपने बच्चों के साथ इस टॉपिक को डिस्कस करें, कोलीग के साथ डिस्कस करें कि औरत मार्च जो है ये बर्बादी का रास्ता है, हमारे फैमिली सिस्टम को कोलैप्स करने का, तबाह करने का एक प्रोग्राम है। कैसे? बीवी हस्बैंड से लड़ेगी, बेटी बाप की नाफरमान हो जाएगी, अच्छा बहन भाई की लड़ाई घर में शुरू हो जाएगी, माँ और बेटी की लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये सारे यानी के सिलसिले जो है ना, इसके अंदर पोशीदा है। हिडन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि फैमिली सिस्टम को कोलैप्स करना, क्योंकि फैमिली सिस्टम कोलैप्स जब होगा ना, तो सिवा होगा ये कि जैसे दूसरे मुआशरों के अंदर औरतें रुड़ती फिरती हैं। मैं आपको चंद वाकया सुनाना चाहता हूँ, चले आपके सवाल से रिलेटेड है। मैं किसी फॉरेन कंट्री में था, बड़े तहजीब याफ्ता लोग हैं, डेवलप नेशन है, और समझते हैं कि हम दुनिया के सबसे ज्यादा महजब लोग हैं। मुझे उनके समझने में कोई इतराज नहीं है। मैं 3-4 वाकया आपको सुना देता हूँ ताकि प्रैक्टिकल मेरे आंखों देखा हाल है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वो माशरे के लोग हैं जहाँ पे ओल्ड एज हाउसेस बेतहाशा भरे पड़े हैं। जैसे ही एज ज्यादा हुई, औरत को उठाया, बाप को उठाया, ओल्ड एज हाउस में दाखिल करवा दिया। तो वे जाके पूछते भी नहीं कि वो जिंदा है मर गया, नंबर एक। नंबर टू, मैंने एक वहां पर तकरीबन 100 साल बूढ़ी औरत को देखा, उनसे कदम नहीं उठाए जा रहे थे। वो स्टिक के जरिए बड़ी मुश्किल एक एक स्टेप उठा के डिपार्टमेंट स्टोर पर अपने लिए सब्जी ले रही थी। तो मैंने कहा कि हमारे मुआशरे में तो ऐसा सीन मुमकिन ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे ही 4 बंदे हाथ पकड़ के कहेंगे, हमसाए कह देंगे कि अम्मा जी आप घर बैठे, हम आपको लाके देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा मुआशरा है। तीसरा वाक्या, वहां पर लोग कुत्तों के मरने पर ऐसे शोक मनाते हैं, हर हर मेल फीमेल का डॉग के साथ दोस्ती है, और उस डॉग फ्रेंडशिप जो है, जो डॉग के साथ फ्रेंडशिप है, वो माँ से ज्यादा है, वो बाप से ज्यादा है, वो बहन से ज्यादा है, वो भाई से ज्यादा है, वो बेटे बेटी से ज्यादा है। वहां पे एक स्टाफ थी जो काम करती थी, उसका कुत्ता मर गया, उसे ताज़ियत इस तरीके से की जा रही है, और वो ऐसे वो रो रही है कि उसकी फेसबुक पे आज भी मैं आपको दिखा सकता हूँ जाकर, कि जैसे उनका कोई सगा रिलेटिव मर गया है। वो कुत्तों के मरने पे रोते हैं, माँ बाप के मरने पे नहीं रोते, बहन भाई मरने पे नहीं रोते। अगली बात, जो शख्स भी गुजारा होता है उसके साथ, स्पेशली संडे को, छुट्टी वाले दिन, सैटरडे इवनिंग में या संडे में, डॉग साथ होता है, कुत्ता उसके साथ होगा। अब जो वाक्य मैं सुनाना चाहता हूँ वो क्या है, ये तो मैंने तमहीद बांधी है। मैं अपने बेटे के साथ जा रहा था, तो सामने से मैंने देखा कि एक औरत और एक उनके ओल्ड एज पर्सन था, वो आ रहे थे, तो कुत्ता उनके साथ था। कुत्ते ने फुटपाथ के ऊपर पोटी कर दी। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा मोबाइल ऑन करें, मूवी बनानी, वीडियो बनानी है। मैं अपने बेटे की ट्रेनिंग करना चाहता था कुछ। मेरा बेटा सवाल करता रहा कि बेटा पापा क्या, किस बात के लिए? बहाल वो डिले हो गया, वो मूवी वीडियो नहीं बना सका। मुझे पता था कि अगला सीन क्या होना है। उस औरत ने अपने पर्स को खोला, ग्लव चढ़ाया, और ग्लव्स के जरिए से वो पोटी साफ की, और उसे जाके उसने बिन में गिराई। इसका एक पॉजिटिव सीन तो ये है कि वो सफाई कितनी कितनी पसंद करते हैं कि उन्होंने उस पोटी को उठा लिया। इसका एक और सीन भी है जो मेरी क्रिटिकल थिंकिंग मुझे बताती है, जो अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते, अल्लाह उनसे कुत्तों की खिदमत कराता है, फिर अल्लाह फिर उनसे कुत्तों की खिदमत कराता है। वो अपने माँ बाप का पैंपर चेंज नहीं कर सकेंगे, माँ बाप को वॉशरूम लेके नहीं जा सकेंगे, फिर उस मुआशरे में ये होता है बेटा। एक और अगली बात बता दूं आपको,
कि औरत के सर्वाइवल नहीं है जब तक वो जॉब ना करे। मुमकिन नहीं है कि वो जॉब के बगैर औरत सर्वाइव कर सके, चाहे वो 70 साल की 80 साल की है, उन्हें काम करना पड़ेगा, एंड में आके भीख मांगने उनकी मजबूरी हो जाएगी जब कुछ नहीं कर सकेंगे, तो कोई सहारा देने वाला नहीं है। कि इतनी महज़ब कौम है कि वॉशरूम में जाएंगे, पानी मौजूद होगा, लेकिन सफाई के लिए टिश्यू रोल इस्तेमाल करेंगे, पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्लाह ने उनकी अक्ल पे पत्थर रख दिए। टिश्यू रोल से सफाई हो सकती है? 1000 बीमारियां पैदा होती हैं फिर उससे, उनके अंदर से मुस्तकिल स्मेल स्टार्ट हो जाती है उन लोगों के अंदर से। पानी मौजूद है, पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, टिश्यू रोल को इस्तेमाल करेंगे। मैं क्या करता था, मैं जब क्योंकि वेटिंग एरिया के सामने ही से गुजर के जाना पड़ता था, डिस्पेंसर लगा होता था, मैं 3-4 गिलास वहाँ से निकालता था उनके सामने। मैं क्या शायद मेरी मुझे ऑब्जर्व करके, मुझे देख कर उनको पता चल जाए कि पानी का ये भी इस्तेमाल मुमकिन है। मैं 3-4 गिलास निकालता था और वॉशरूम में जाता था, ताकि मेरे बेटे ने कहा कि बाबा ये आप क्या करते हैं। मैं क्या बेटा, मैं इनको बताता हूँ कि मुसलमान इस बात पर यकीन रखते हैं कि सफाई निसफ ईमान है, पानी के इस्तेमाल के बगैर सफाई मुमकिन ही नहीं। तो इसलिए मैं इनको बताना चाहता हूँ कि मुसलमान कैसे चलते हैं। अब मैं एक और वाक्य सुना के इस बात को एंड करूँगा। हम एक हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे, वहाँ पे आप कह लें कॉफ़ीज, चाय, बिस्किट्स वगैरह सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। तो वो लोग यानी कि जो भी आए, ज़ाहिर है कि हॉस्पिटल काफ़ी महंगा हॉस्पिटल था, तो फ्री चीज़ें यानी कि कर रहे होते हैं। तो एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड, आप कह लें बहुत ही डिसेंट पर्सनैलिटी की लेडी आई, और जो कि माइट भी के 30 अराउंड होगी उसकी जो एज मेरे गैस के मुताबिक, और बहुत ही ज़्यादा आप कह लें कि उनकी पर्सनैलिटी एक ग्रोन पर्सनैलिटी जिसे दुनियावी एतबार से कहते हैं, वो पर्सनैलिटी थी उसकी। मैंने अपने बेटे से सवाल किया, मैं जानता था कि कौन है। मैं कह बेटा अगर इसको पाकिस्तान में ले जाएं और किसी सिस्टम का डायरेक्टर बना के बिठा दें, प्रिंसिपल बना के बिठा दें, तो क्या ख्याल है सिस्टम कैसा चलेगा? उसने कहा बाबा वो सिस्टम तो बहुत तरक्की करेगा। मैं कह बेटा पता ये कौन है? कहते कौन? मैं कह ये स्वीपर है। कहते क्या मतलब? मैं कह स्वीपर भी दो किस्म के स्वीपर होते हैं, एक होते हैं जो आपके रूम्स वगैरह की सफाई करते हैं, एक वो स्वीपर होते हैं जो वॉशरूम धोते हैं। मैं कह ये वो स्वीपर है जो वॉशरूम धोती है। मैं कह अभी थोड़ी देर में देख रहे हैं, ड्रेस चेंज करके वॉशरूम में जाएगी और वॉशरूम धोकर आएगी। फिर मैंने अपने बेटे को दिखाया कि वो लेडी वॉशरूम में गई, कपड़े चेंज किए, उसे वॉशरूम धोया, क्योंकि ऐसे कामों के पैसे ज़्यादा मिलते हैं, थोड़ी देर में पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं। फिर बाहर निकले, उसने कपड़े चेंज किए और फिर वह चली गई। तो ये अगर हमारे ये औरत मार्च के ये नतीजा करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ ख़वातीन इस नहज तक पहुँच जाएँ, तो हमें बेटा इसके लिए आवाज़ उठाना है, अपने बच्चों के माइंड मेकअप करने हैं, उनको दलाइल से लॉजिकली। तो मेरे बेटे को बात समझ आ गई जो मैं समझाना चाहता था, तो अल्लाह का शुक्र ऐसे समझाना पड़ता है। जज़ाकअल्लाह सोबिया, अच्छा सवाल किया आपने।